हेलो फ्रेंड्स, प्रियाज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चीज़ पिज्ज़ा की रेसिपी, जिसे हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक शिमला मिर्च, ये मैंने चीज़ ली है, टमाटो, प्याज और ये बटर, और ये कुछ ब्रेड की स्लाइस ली है। आप चाहें तो इसे ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। अब एक खाली बोल लेंगे, उसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, और इसमें हम बटर ऐड कर लेंगे। बटर आप इसमें अभी हम हाफ बटर ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम सैंडविच सेकेंगे तो हाफ बटर हम तब यूज़ करेंगे। बटर डाल देंगे, बटर रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो चीज़ ग्रेट करके रखी है वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब चीज़ डालकर इसको हम फिर से एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम ब्रेड स्लाइस लेंगे, उनमें हम बटर लगाएंगे। ध्यान रखेंगे बटर रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, जिससे कि बटर अच्छे से ब्रेड में स्प्रेड हो सके। चारों ब्रेड में बटर लगाने के बाद अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसमें टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं, या आपके पास सेज़वान चटनी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से पूरे ब्रेड में हम लगा देंगे। अब जो हमने स्टफिंग बना कर रखी थी उसको हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से इवनली पूरे में फैला देंगे। अब इसके ऊपर से जो हमने चीज़ ग्रेट करके रखी है वो डाल देंगे। सैंडविच में जितनी ही चीज़ पड़ी होगी वो उतना ही टेस्टी बनेगा। अब जो हमारी दूसरी ब्रेड है उससे हम इसको कवर कर देंगे और इनको तवे पर गोल्डन ब्राउन होने तक का सेंक लेंगे। अब हम एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें बटर डालेंगे। फ्लेम को हम लो पे रखेंगे, नहीं तो हमारा सैंडविच जल जाएगा। अब हम इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक का अच्छे से सेंक लेंगे, ढक करके इसको सेंक लेंगे। देखिए अभी हमारा सैंडविच सेक कर तैयार हो गया है। अब हम इसे बीच में से कट कर देंगे। देख
ये देखिए हमारा सैंडविच कितना अच्छा सा सेक कर तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।